हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है रेलवे की इस क्लास में। तो अन अकेडमी की इस अमेजिंग क्लास में अमेजिंग लोगों को और अमेजिंग स्टूडेंट को पढ़ाते हुए मुझे बहुत मजा आता है। तो क्लास की शुरुआत हो चुकी है भैया मेरे, आ जाओ फटाफट जुड़ जाओ क्लास में। आज हम चलेंगे बड़े धमाकेदार तरीके से, ठीक है भाई मेरे? सबको नोटिफिकेशन आ गया होगा और सभी लोग जो हैं वो जुड़ते चले हैं हमारे साथ में, ठीक है? चलो एक मिनट, चलो। तो क्लास में सबसे पहले मैं कमेंट खोल दूं ताकि आपके कमेंट में देख सकूं कौन कौन जुड़ गया है हमारे साथ में। एक बार गुड इवनिंग लिख दो भाई ताकि मैं आप सबका नाम पढ़ सकूं, ठीक है भाई मेरे? तो क्लास में आज हम सबसे पहले तो 15 दिसंबर के जो मिनिस्टर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रायोरिटी पे हम क्या रखेंगे? 15 दिसंबर के मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आ रहा है, लेवल क्या है। बहुत ज्यादा आसान भी पेपर नहीं है। कुछ बच्चे कल कह रहे थे सर पेपर बहुत आसान आ रहा है, इतना आसान आ रहा है कि हलवा बना के खा लेंगे। भाई तुम हलवा नहीं खाओगे, मुंह जल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना? हलवा बना के खाने की कोशिश ना करो, तुम्हारा मुंह जल जाएगा जल। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी। अनु जुड़ चुकी है हमारे साथ में, निशु कुमार जुड़ चुके हैं। सर क्या आपकी क्लास को रिवाइज कर लें सारा? हाँ भैया रिवाइज कर लो सारा। अनु जुड़ चुकी हैं, प्रिंस जुड़ चुके हैं, मोनू, सुरेंद्र, जयंता, शुभम, क्रिएटिव, त्रेता, कल्याण जी, रावत, यशी, प्रिंस कुमार, सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है? चलो अब शुरुआत करें क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप लोग जानते ही हो कि समय बड़ा बहुत बलवान है आजकल। जो समय का सही सदुपयोग करेगा वही आगे जाएगा, अदरवाइज तो आप देख रहे हो कितनी भीड़ लगी हुई है, ठीक है? एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन आया है, इसका मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी दो पोस्ट आती हैं, एक होती है ACIO और दूसरा होता है XE, ठीक है? XE सिक्योरिटी, सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, और ये होती है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये गृह मंत्रालय हर साल 2-3 साल में वैकेंसी निकालता है और इस बार अच्छी वैकेंसी आई है। यहाँ पे जो पोस्ट मिलती है ये वाली, ये एकदम लल्लन टॉप टॉप जो है वो पोस्ट है, लल्लन टॉप। अगर इसमें सिलेक्ट हो गए आप तो समझ लो आपकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा होनी होनी है, लेकिन ये एक ऐसी जॉब है जिसमें एडवेंचर से भरी है। खुफिया जानकारी इकट्ठी करना, खुफिया जगह पर जाना, कुछ भी तरीके से वर्क करना। तो जो लोग थोड़ा इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, CBI ऑफिसर, CBI तो छोटी पोस्ट है, खैर ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है। तो आपने सुना होगा एक रॉ और IB, ये दो एक बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी है भारत की। रॉ विदेशों में काम करती है और IB इंटरनली काम करती है भारत के अंदर। तो ये भारत के अंदर वाली पोस्ट है। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक इस पोस्ट के बारे में नहीं सुना होगा। तो इसके दो साल पहले 2019 में मैंने इसका इंटरव्यू दिया था, लखनऊ में ही था। तो इसके तीन पेपर होते हैं। पहला प्री होता है जो कि रिटन मल्टीपल चॉइस होगा, दूसरा होता है रिटन वाला जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना पड़ता है, और तीसरा होता है इंटरव्यू। इसमें मेन जो प्रोसेस है वो यही वाला है। आप ये मान लो कि यही मेन है, बाकी सब फर्जी है, ठीक है? अगर इंटरव्यू आपका अच्छा हो गया, आपने कन्विंस कर दिया उनको कि आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, कर गुजरने की इच्छा रखते हैं और आप देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो आपको ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। बहुत ही बढ़िया पोस्ट, समझ रहे हैं ना? एडवेंचर से भरी हुई पोस्ट है ये। गुड इवनिंग भैया मेरे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब लाइक कर दो फटाफट। जिन लोगों ने नहीं भरा है जरूर भर दें। 27 साल इसकी मैक्सिमम एज है, रिलैक्सेशन एज अकॉर्डिंगली मिल जाता है OBC SC वगैरह। तो आप अगर जिन लोगों को बढ़िया जॉब चाहिए, बहुत अच्छी जॉब है भाई, ठीक है? चलो शुरुआत करें। ओके, तो क्लास की शुरुआत की जाए। इसके बारे में बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं एक बार बता दूंगा आपको, वीडियो बना दूंगा उसका, ठीक है? ये IB की एज लिमिट क्या होती है सब कुछ मैं वीडियो में बता दूंगा आपको। एज लिमिट 27 साल है, 27 ईयर्स, ठीक है? ग्रेजुएशन होना मस्ट है, 27 ईयर ग्रेजुएशन इज मस्ट, यही इसकी लिमिट है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्राची, कह रही हैं धन्यवाद प्राची जी, काफी दिन के बाद दिख रही हैं। आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था? हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तभी तो हम यहाँ पे हैं नहीं तो हो नहीं गया था मेरा, है ना? फ्रेंकली स्पीकिंग उसमें क्या है, इंटरव्यू मेन होता है इसमें, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा आपको। तो एक क्वेश्चन का जवाब मैंने गलत दे दिया था, गलत का मतलब उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया था मैं, ठीक है? चलो भाई, सो CGL 17 और 18 का Tier 3 UPPSL इंटरव्यू यही है जिसके बारे में मैंने लिख रखा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू, ये C का मैंने दिया था, ठीक है भाई मेरे? चलो ओके,
सो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन का चुनाव करना है। सबसे पहली चीज, जो बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखे हैं, वैसे तो बच्चे मोस्टली ले चुके हैं, बट जो बच्चे छूट गए हैं उनके लिए भाई आप एक महीने से लेकर 12 महीने तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक महीने की जो फीस है 1200 है और 12 महीने की जो फीस है वो 2400 है। ये मंथली आप निकालोगे तो 300 रुपए आएगी और अगर आप मेरा कोड डालोगे तो 270 रुपए हो जाएगी। मतलब ये जो फीस 7200 है ये घटके हो जाएगी 6480 रुपए। तो आपके लिए सही है, यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, सभी तरीके की टेस्ट सीरीज भाग लिख सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कितने भी बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने भी टीचर से पढ़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से आप देखिए। कह रहे 2023 के AFC एशियन कप कहां पर आयोजित हुए? 2023 के AFC एशियंस जो एग्जाम्स हैं सर स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कर दिया भाई मेरे सीजन 2019 का एग्जाम कब तक होगा यार? हो तो चुका है, 2020 आ गया। अब तो मेंस की अगर आप टायर 3 की बात करो तो अभी कुछ दिन समय लगेगा उसमें। अभी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया, लास्ट डेट अभी है, आराम से भर देना। चलो आंसर बताओ क्या आंसर बनेगा। तो 2023 के AFC एशियन कप्स कहां पे हुए थे? चाइना इज द राइट आंसर। चाइना से क्या क्या याद रखना है? पहली चीज, एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्से नदी चाइना में है। दूसरी चीज कौन सी है भाई? साउथ एशियन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? यहीं पर है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, ADB असिस्टेंट डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट, ये भी हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? पांडा। पांडा यहाँ का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, देश में या खाद्यान्न में पहले नंबर पर आता है, चावल में पहले नंबर पर आता है, जनसंख्या में पहले नंबर पर आता है। सबसे बड़ी संसद कहाँ की है? चाइना की। 2980 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के हैं। 2980 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं? चाइना से। इतनी इंफॉर्मेशन आपको चाइना से थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चाइना के बारे में बाकी इंपॉर्टेंट है। एक करेंसी क्या है? युआन और रिमिंबी है। अब चाइना के बारे में और अगर हम डिटेल में जाएं तो मैं बाकी चीजें बता देता हूं भैया। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मैंड्रिन है, जो कि मेन लैंग्वेज है। कैपिटल बीजिंग है। नेशनल करेंसी रेनमिंबी है और युआन भी है। फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय जेन लियासोंग। जेन लियासोंग ने यहाँ का फ्लैग डिजाइन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, सबसे लंबी सीमा रेखा मंगोलिया के साथ में बनाता है। भारत में ये नेपाल भूटान ऐसे 10 देशों को टच करता है। ठीक है भाई, ये इसकी इंफॉर्मेशन सब लिख रखी है, आप इसे जरूर देख लेना। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ का नेशनल वर्ड क्या है? तो रेड क्राउन क्रेन। ऑलरेडी SSC में पूछा गया है, CGL में ये कि चाइना का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो रेड क्राउन क्रेन। इसके बाद पूछा गया है यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम? जी जिनपिंग। ऑलरेडी पूछ लिया गया है। इसके अलावा पूछा गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? 2980। ये भी पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? नीचे आओगे, प्रोविनेंस पूछे गए हैं तो 25 से ज्यादा प्रोविनेंस है। यांग्त्से नदी पूछी गई है, हाइएस्ट पीक पूछी गई है, कोमोलोंगा ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है। और चाइनीज जो पहली बार जिसने नोबेल प्राइज जीता था उसका नाम था मोयान, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, 1, 2, 3 और 4 और 1, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अशोक लवासिया जी, बिल्कुल 6G लॉन्च करने वाला है, बिल्कुल सही है। ओके, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए Na2CO3 पहला ऑप्शन दे रखा है, समझ लेना इसको। Na2CO3 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन NaHCO3, तो NaHCO3, दूसरा ऑप्शन NaCl और Na। तो वो कह रहा है कि अगर हार्ड वाटर है, पानी हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और बाइक्लोराइड होते, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। और हार्ड भी दो तरीके से होता है, एक तो परमानेंट हार्डनेस होती है और एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कार्बोनेट के कारण होती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें कि सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस अगर हमें रिमूव करनी है तो हम यूज करेंगे NaSCO3। इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये,
क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चों ने आंसर सही दिया था, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, बी फॉर बेटा, कुछ बच्चे हैं, बी इज द राइट आंसर। NaHCO3 बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने पीने की चीजों में इसका उपयोग करते हैं, एसिडिटी हो जाए पेट में तो इसका उपयोग करते हैं, मतलब बहुत सारी जगह पर हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, मेरे अगला प्रश्न, बाकी ये सभी चीज लिखी आप देख लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो किस प्रकार की धारा है? एल नीनो किस प्रकार की धारा है? ठंडी है, गर्म है, आर्द्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब कोल्ड है, हॉट है, ह्यूमिड है, ह्यूमिड है, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बोलो आंसर क्या बनेगा, फटाफट करिए आंसर क्या बनेगा, कौन सी धारा है अल नीनो? रूपक कह रहे हैं बी होगा, कल्याण जी कह रहे हैं डी होगा, त्रेता कह रही है डी होगा, यशी कह रही है दूसरे का बी होगा। हाँ भैया बिल्कुल सही जा रहे हो, प्रियंका कह रही है बी होगा, कमिंग सून कह रहे हैं ए होगा, और बताइए रूपक कुमार हॉट बता रहे हैं, राजीव कुमार तीसरे का बी बता रहे हैं। राइट आंसर बनेगा अल नीनो एक गर्म धारा है। बी वाले भैया सब लोगों का आंसर सही है, जितने बी वाले भैया हैं, और देखो देखने वाले लोग 46 लाइक 38, ये रेशियो अच्छा नहीं लग रहा है, ना तो आपको ना हमको, है ना, थोड़ा बराबर कर दो यार, थोड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर भी कर दिया करो, थोड़े लाइक हमारे ऊपर भी बरसा दिया करो, है हमको बहुत पैसे मिलते हैं, एक लाइक के पता कितने मिलते हैं, 1 करोड़ रुपए, तो सोचो कितने पैसे मिलने वाले हैं। चलो गलम गरम, हालांकि गरम गरम जलधारा की बात करें तो यहाँ पर अलास्का जलधारा, विद्युत जल दक्षिण विद्युत जलधारा, फ्लोरिडा द जलधारा, ये सारी की सारी गर्म जलधाराएं हैं, आप एक बार इनको जरूर लिख लेना। ठीक है, ये सारी की सारी गर्म जलधाराएं एक बार जरूर इनको लिख लेना, एक बार देख लेना। ठीक है भाई, और जब भी गर्म जलधारा होती है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में गहरमाथा बीच किसके हेतु प्रसिद्ध है? सार्क को लेकर प्रसिद्ध है, कैटफिश को लेकर प्रसिद्ध है, ऑलिव रेडेड टर्टल को लेकर प्रसिद्ध है, और स्नेक को लेकर प्रसिद्ध है। वैसे तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उड़ीसा के जो तट थे, जो बीच था, वहां पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में इनको देखा गया, इनको पाया गया, और ये प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वापस से नेचर रिवाइव हो रही थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था। अब देखो फिर से लॉकडाउन हट गया, फिर से वही के वही वही प्रदूषण, बाहर निकल जाओ तो आंखें जलने लगती हैं, लखनऊ में तो ये हालत है, लखनऊ में अगर आप बाहर निकल जाइए 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए सर दर्द होने लगता है, आंखें जलने लगती हैं, घर के अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ, है ना, लगता है कि 500 सिगरेट पी के आ रहे हैं, मतलब मैं पीता नहीं हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ऑलिव टर्टल इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, उड़ीसा से आपको क्या क्या याद रखना है? पहली चीज, उड़ीसा से आपको यहाँ की स्कीम्स याद रखनी है, मो जीवन, मो पहल, मो प्रतिभा, मो विद्युत, इसके बाद कालिया योजना, सुनेत्र योजना, ठीक है, गर्मा योजना, इसके बाद जल योजना, एक इन्होंने टैप टू जल योजना इन्होंने स्टार्ट की है, सुजल कहते हैं सुजल योजना, ये सारी की सारी योजनाएं उड़ीसा की हैं। आधे तो ऊपर से चली गई होंगी आप, लेकिन आराम से धीरे धीरे करके बैक करके देखोगे, जब वीडियो खत्म हो जाए तो सारी योजनाएं लिख लेना, अभी आगे PDF में भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है भाई, अच्छा और क्या क्या है उड़ीसा में? उड़ीसा में चिल्का लेक है, पहली चीज चिल्का लेक है उड़ीसा में। ठीक है भाई, मेरे पुरी का मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, यहाँ के CM को PTNL अवार्ड से सम्मानित किया गया था, भी हैं कौन CM, रमीन पटनायक जी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उड़ीसा से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी है। ये है देखो ऑलिव टर्टल, जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्रीय तट है, यहाँ दुनिया भर में सबसे ज्यादा घोंसले बनाने वाला समुद्रीय तट यही है, जहां पर घोंसले कौन बनाता है, ये जीव बनाते हैं। ठीक है भाई, ये सारी योजना जिसके बारे में बात कर रहे थे, गरिमा मिशन, मो विद्युत योजना, ये है मो विद्युत योजना। ठीक है भाई मेरे, इसके बाद यहां पे आ जाओगे सुजल ड्रिंक योजना और जग्गा मिशन। इसके अलावा जो योजना है वो भी देख लो, गरिमा योजना, निर्माण कुसुम योजना, बलराम योजना, जलसाथी योजना, मुख्यमंत्री योजना, कालिया योजना, सुनेत्र योजना, ये योजनाएं भी प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, मेरे बात समझ में आ रही है, सब कुछ साथ साथ लेके चल रहे हैं, करंट अफेयर स्टैटिक, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, हर एक चीज उठा उठा के लाके डाल रही, किताब का मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, सारी योजना एक साथ मिल गई तो मैंने पिक्चर लेके यहाँ पे डाल दिया कि समस्या ना हो, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए, है ना, आपको मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े, सारी मेहनत हम ही कर लेते हैं। ठीक है,
चलो, इज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन. यहाँ पे डिप्रेस क्लास का मतलब है छोटी, नॉट छोटी, दिस इज लाइक कि जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं या ओबीसी के जो लोग अभी हुआ करते थे, उन लोगों के लिए एक संस्था बनाई गई और इस संस्था के जो मेन लीडर थे उनका बड़ा नाम है, एंड दैट वॉज हु वॉज द पर्सन, रघुबर दास, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल स्वामी अय्यंगर. तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही व्यक्ति है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी. इसके अलावा कुछ बुक भी लिखी है इन्होंने, एलिनेशन ऑफ कॉस्ट भी लिखी है, हुआ शूद्रराज भी लिखी है. इन्होंने बताया है कि यहाँ के जो नेटिव पीपल हुआ करते थे, जो यहीं के मूल निवासी थे, उन्हें बाद में शूद्र घोषित कर दिया गया और फिर उनके ऊपर अत्याचार हुए. सारी चीजें भीमराव अंबेडकर ने लिखी हैं. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है. आर्टिकल 32 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे. कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे. ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ सकती है. अगला प्रश्न, ओके, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है? अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन जिसके बारे में मुझे बात करनी है, विच मेटल इज लेयर ऑन द आयरन. मुझे सामने आयरन आया. अब जब मेरे आयरन आया मेरे सामने तो मेरे दिमाग में बल्ब जलना चाहिए कि आयरन के बारे में मुझे क्या क्या चीज़ें पता है. आयरन के बारे में मुझे पता है कि इसके आयस के कौन कौन से होते हैं, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लेमोनाइट होता है और सेडराइट होता है. चार आयस आपको पता होनी चाहिए. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है कि इसको निकाला कैसे जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस से आयरन का क्या किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है. सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आयरन मैग्नेटाइट में पाया जाता है. मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा आयरन 75% पाया जाता है. कितना भैया? 75% Mg में, मैग्नेटाइट में 75%. अच्छा, आंसर क्या बनेगा? जिंक विल बी द राइट आंसर. जिंक विल बी द राइट आंसर. जिंक चढ़ाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. अच्छा, कॉपर भी मेरे सामने आया. कॉपर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टी पाई जाती है. रात में इसको पानी को भर के रख दोगे ना, सुबह पियोगे, एकदम पेट के अंदर के बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि कॉपर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं. पर पहले के लोग आपने देखो तांबे का कटोरा, तांबे का लोटा रखते थे, सिरहाने पर रख देते थे और सुबह रात में वही पीते रहते थे. भैया साइंटिफिक लोग थे, बेवकूफ़ नहीं थे. क्यों पीते थे? क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसमें. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज आप मिलेनियल हो गए होगे, आप जो है हाँ भैया, तांबा, तांबा इज द राइट आंसर. आगे चलें, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. ये जिंक है, आप देख लेना इसको. चलो, किसकी एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के समान होती है? अच्छा, एसआई यूनिट होती कितनी है? 7 एसआई यूनिट जो है बनाई गई है स्टैंडर्ड, ठीक है, 7 है. अच्छा भाई, एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के बराबर होती है. बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है. तो न्यूटन दादा, अब न्यूटन हमारे सामने आया तो न्यूटन से तो मुझे याद आ रहा है कि न्यूटन को किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार, या न्यूटन ने किस चीज की खोज की थी? तो जो डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म होता है, जो रंग बनते हैं, इसकी खोज की थी. ग्रेविटी की खोज भी न्यूटन ने की है ना. ग्रेविटी की खोज भी किसने की है? न्यूटन ने की है. बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, मोशन की खोज भी न्यूटन ने की है. अब जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है? टाइम की तो सेकेंड होती है, स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई मेरे, और वर्क की क्या होती है? जूल होती है. आप मुझे बताओ कि आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे वेट लिखा है, वेट बराबर क्या होता है? m into g, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ न्यूटन. राइट आंसर क्या बनेगा? ए विल बी द राइट आंसर. बात पल्ले पड़ी तुम्हारे? 450 वेट में मास क्या होगा? निशु कुमार कह रहे हैं 10 से भाग कर दो, ठीक है, 45 किलो. हाँ भैया राकेश सही कह रहे हैं, 6 × 10^24 जो है अर्थ का मास होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? www.unacademy.com. दिस इज द URL. अब इस URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रे लोकेटर. बताओ भैया फटाफट. लाइक को 49 पे कहे छोड़े हो, है किसी रिश्तेदारी में जाके क्या सगुन देना है? क्या 49 रुपए का 51 रुपए का 50 पहुंचाओ फटाक से. राइट आंसर क्या बनेगा?
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर. सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, सी आंसर सही है. यूआरएल का फुल फॉर्म यही है. ठीक है भाई मेरे, आंसर चले नेक्स्ट क्वेश्चन. चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या. सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर स्थाई बंदोबस्त, कल भी मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन रिपीटेड है. स्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई नीति है, कल ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, रिपीट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट भी कर लें तो कोई समस्या नहीं है, पढ़ने में कोई समस्या बिल्कुल नहीं होती है, चाहे जितना पढ़ो आप. राइट आंसर कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर, कोई समस्या इसमें, ये आंसर बनेगा सही. अच्छा लॉर्ड मियो के बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताएं, इन्होंने जनगणना को नियमित किया था, जनगणना सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट की थी, नियमित नहीं किया था, रिपन ने नियमित किया था. ठीक है तो जनगणना जो है सबसे पहले मायो ने स्टार्ट की थी. और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भाई साहब वो हैं जिनकी हत्या हो गई थी इंडिया में ही. कहां पे इनकी हत्या हो गई थी, काला पानी वाली जेल में. अच्छा काला पानी वाली जेल है कौन सी, तो काला पानी वाली जेल को हम कहते हैं सेलुलर जेल. और ये सेलुलर जेल है कहां पे, तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में. एक कैदी भाग गया था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, जो जेल थी इसमें इनकी हत्या हो गई थी लॉर्ड मियो की. बात समझ में आ रही तुम्हारे, ये आपसे पूछा जा सकता है कभी ना कभी. ठीक है भाई अंडमान में, बिल्कुल सही अंडमान में इनकी हत्या हो गई थी. चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये सभी चीजें वही हैं. ओके हु स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की. भैया असहयोग आंदोलन छोड़ो, 1917 याद करो, 1918 याद करो, 1920 याद कर लो, ठीक है 1922 याद कर लो, उसके बाद आगे जाओ 1924 याद कर लो. ठीक है भाई 1930 याद कर लो, 1930 याद कर लो, 1931 याद कर लो, 1942 याद कर लो. ये सारे के सारे ईयर महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे ईयर महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं. 1917 कौन सा आंदोलन, चंपारण का आंदोलन. 1918 अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा वाले जिसमें अहमदाबाद मिल आंदोलन चलाया था उन्होंने. 1920 असहयोग आंदोलन. 1922 अहमदाबाद चौरी चौरा में एक दुर्घटना हो गई थी, चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी जला दी, तो गांधी जी ने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया. इसके लिए इनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इनको कहा गया कि इन्होंने पूरे आंदोलन को समाप्त कर दिया है, एक व्यक्ति ने अपने एक आंदोलन बनाया और पूरे देश की भावनाओं को खत्म कर दिया है, ये सारे बहुत सारे आरोप इनको भी लगाए गए. 1924 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया. 1930 में कौन सा आंदोलन लेके आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन. 1931 में क्या किया, गांधी रिबन समझौता हुआ. 1931 में गांधी रिबन समझौता, पूना पैक्ट हुआ और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उन्होंने यहां से करो या मरो का नारा दे दिया. सारे मैंने आपको गांधी जी के आंदोलन बता दिए. ठीक है भाई क्या बोली है नी? याद करके दिमाग ही भर गया है. सही कह रहे हैं, याद करके दिमाग भरना भी चाहिए. ठीक है और महात्मा गांधी की किताब भी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक का नाम क्या है. संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र है, इसके संपादक का नाम क्या है. जिस संपादक का नाम है उन्होंने 1875 में, जरा बताओ सही लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन इसमें थोड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं. इन्होंने एक बड़े समाज की स्थापना की, साथ साथ में सती प्रथा को खत्म करने में लॉर्ड बेंटिक के साथ में मिलकर सती प्रथा को खत्म किया. अब तो आंसर आ गया होगा, इन्हें नव भारत के नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है. भारत के नव जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय. ए विल बी द राइट आंसर. बोलो यहां पर तक बात समझ में आ रही है, गलत तो नहीं है, सब कुछ सही है. राजा राम मोहन, ब्रह्म समाज सब कुछ पता है. बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था. किसके लिए, गीतांजलि के लिए. अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा है, जनगणमन. जनगणमन सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में जनगणमन सबसे पहली बार भारत में गाया गया था. एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, उसका नाम क्या है, अमार सुनार बांग्ला. नन ऑफ द अबव के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकते. ठीक है भाई मेरे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है. इतने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
कि मुझे लगता है कि ये लोगों को आदत हो गई, नए क्वेश्चन नहीं बना सकते, पुराना क्वेश्चन सेम टू सेम डिटो कॉपी चिपका रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हो गया भाई मेरे, आंसर क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात से चल कहानी स्टार्ट होती है, तो गुजरात आता है पहले, फिर क्या आता है, राजस्थान आता है, ठीक है भाई मेरे, इसके बाद क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है, इसके बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है ना, इसके बाद झारखंड आता है, ठीक है, फिर मिजोरम आता है और त्रिपुरा आता है। तो ये सारे राज्य हैं जिनसे वेस्ट बंगाल, इसमें भी छूट गया है, वेस्ट बंगाल भी आता है, ये सारे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, आंध्र प्रदेश इज नन ऑफ द अबव, उसमें से आंध्र प्रदेश नहीं आता है। आंध्र प्रदेश की बात कर लो भैया यहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जा सकता है, तो कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, कुचिपुड़ी। यहाँ की 3 राजधानी है ये भी आपको पता है, और यहाँ की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं में YSR लगाओ समझ लो वो आंध्र प्रदेश की है, YSR जगनमोहन रेड्डी यहाँ के CM है। अच्छा भाई, यहाँ की एक झील है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील सबसे बड़ी लेग्यून मानी जाती है। लेग्यून क्या होती है, समुद्र से बनकर, समुद्र की छोटी सी धारा निकलकर जब एक झील का निर्माण कर लेती है, झील का शेप ले लेती है, तो उसे हम लेग्यून कहते हैं। बात समझ में आई, तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, तो ये लाइन है जो जा रही है, ओके, वे परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम। क्या बोला मैंने, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 19 हो गया, ये 40 बना दिया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 20, और यहाँ पे भी 40 बना दिया हमने। वैसे तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है इसको लेके, एक और भी है इसके पहले वाला, वो भी बनाता है। तो अब देखो यहाँ पे जरा गौर से घूर घूर के देखो कि इन दोनों के ऊपर के मास समान है और नीचे के एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं आइसोमर। बी 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 द राइट आंसर। गलत तो किसी का नहीं हुआ भाई, ये भी गलत करोगे तो तुम्हारा कभी कुछ भला नहीं हो सकता भाई। आइसोमर इज द राइट आंसर। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनमें उल्टा हो जाए, ये नीचे आ जाए, ये ऊपर चला जाए, मतलब उनके परमाणु भार अलग अलग हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक एक ही रहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसे क्या कहते हैं, प्रोटियम। इसे क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। इसे क्या कहते हैं, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम से बनता है हैवी वाटर, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है एज अ मॉडरेटर। हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है एज अ हैवी वाटर। अच्छा भाई मेरे, लेकिन ट्राइटियम की भी बात कर लेते हैं, तो ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। कैसा है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप रेडियो एक्टिव होता है, तो वो है ट्राइटियम। ठीक है भाई मेरे, आगे चले अगला प्रश्न। गर्म और ठंडे जल में क्या विलय नहीं होता है, घुलता नहीं है, चाहे गर्म पानी ले लो चाहे ठंडा पानी ले लो, रिएक्शन नहीं देगा, तो कौन सा चीज है। सोडियम और पोटेशियम, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि सोडियम पोटेशियम को हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। सुना था बचपन में कभी, मैं तो एक्सपेरिमेंट भी बहुत किया है, लैब से चुरा के लाते थे, चुरा के तो वो नहीं, मतलब लेके, मांग के लेके आते थे, बाकी आप समझदार हो। फिर बड़ा सा बाल्टी बकेट रखते थे और उसमें डालते थे, फिर आग उठती थी, बहुत बड़ी आग, तो ऐसी फीलिंग आती थी अंदर से जैसे बम विस्फोट कर रहे हैं। अभी गए हैं जम्मू कश्मीर के किनारे और बम विस्फोट कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती थी। तो ये दोनों नहीं हो सकते, डेफिनेटली ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं वाटर के साथ में। मैग्नीशियम और जिंक, राइट आंसर जिंक बनेगा, जिंक कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन स्टीम के साथ में, स्टीम बोले तो गर्म भाप, गर्म भाप के साथ में जिंक भी ऑक्साइड बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है भाई मेरे, बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। चलो हाँ, सोडियम वाटर में जलने लगता है, सही कह रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में लाल किला में आजादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में, आजादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में एक संग्रहालय बनवाया गया है, उसका नाम क्या है। अच्छा, संग्रहालय से मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक राज्य के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मुगल संग्रहालय का नाम बदल के शिवाजी संग्रहालय कर दिया जाए। मतलब आपको जब बाहर से आप देखोगे तो लिखा होगा शिवाजी संग्रहालय,
और अंदर जाओगे तो उसमें मिलेंगे मुगल कालीन सारी की चीजें, समझ रहे हो? जैसे बाहर लिखा हो वेजिटेरियन होटल और अंदर जाओ आपको वेजिटेरियन मेन्यू में कुछ हो ही ना, सब कुछ तंदे चिकन तंदूरी चिकन कभी चिकन चिकन करके सब कुछ मिले, तो कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। तो दिस इज स्टोरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया, राइट आंसर विल बी आजादी के दीवाने संग्रहालय। ठीक है, आजादी के दीवाने संग्रहालय। सर हम रेड फोर्ट गए थे बट कहां देखें? अच्छा भाई, इसका आंसर दो फटाफट, बोलो आंसर क्या बनेगा। हो गया, आजादी के दीवाने संग्रहालय में है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इसके अलावा वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा? और भी संग्रहालय हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय है उसी के अंदर, ठीक है, INA संग्रहालय है, यादें जलीय संग्रहालय है, राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय, ये सभी चीजें भी हैं जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया, 25 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया गेट भी है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया, तो इंडिया गेट बनाया गया है 1915 में। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर चला है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट बनवाया गया है। इसका इसका आर्किटेक्चर कौन है? तो एडवर्ड लुटियंस इसके आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इसका निर्माण किया, जिन्होंने इसको जो है डिजाइन किया है। सबसे ज्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? आपको पता ना भारत में थोरियम के बहुत बड़े भंडार हैं, हम लोग थोरियम के मामले में पूरे विश्व में पहले नंबर पर आते हैं, पूरे विश्व में पहले नंबर पर आते हैं। क्या दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट दिख रहा है। तो पूरे विश्व में हम लोग थोरियम के मामले में पहले स्थान पर आते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, लेकिन ये जो थोरियम है ये मोनोजाइट के फॉर्मेट में भारत में पाया जाता है, मतलब इसके अयस्क के फॉर्मेट में भारत में पाया जाता है। क्या नाम है इसका? मोनोजाइट। ठीक है भाई मेरे, अब ये मोनोजाइट केरल के जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? केरल के तटीय इलाके। अच्छा, केरल से क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टमुदी झील कहां पर है? केरल में है। वेम्बनाद झील कहां पर? केरल में है। ओणम कहां पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ओणम किस किस भगवान की याद में मनाया जाता है? राजा बलि की याद में मनाया जाता है। ओणम कितने दिन का त्यौहार होता है? 4 दिन का त्यौहार होता है। इसके अलावा पूछा गया कि केरल की कौन सी नदी सबसे दक्षिण की नदी है? तो केरल की नेयार नदी, नेयार नदी सबसे दक्षिण की नदी मानी जाती है। और केरल की बात करें तो पेरियार नदी है, जिसपे इडुकी डैम भी बनाया हुआ है। पेरियार कौन थे? पेरियार एक संत थे जिन्होंने दलितस्थान में बड़ा सहयोग किया है। तो केरल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहां पे? केरल में। और जितने भी इंडेक्स होते हैं, चाहे वो एजुकेशन का इंडेक्स हो, हेल्थ का इंडेक्स हो, गवर्नेंस का इंडेक्स हो, सभी इंडेक्स में केरल पहले नंबर पर रहता है। क्लियर है भाई मेरे? अच्छा, भामाशाह योजना पूछी जा सकती है आप राजस्थान में। भामाशाह योजना कहां की? राजस्थान की है। और यहां से एक नृत्य पूछा जा रहा है आजकल बहुत ज्यादा, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य कहां का है? तो वो राजस्थान का है। और 2010 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को ने शामिल किया था। सर गलत है क्या? आप गलत बता रहे हैं अरुण मीना जी, बताइए जरा क्या इसमें गलत दिख रहा है आपको? इसका राजस्थान आएगा। अच्छा भैया, थोरिया में ध्यान से देख लो, केरला इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सभी चीजें ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? कौन सा स्टोरेज? कंप्यूटर स्टोरेज की बात कर रहा है। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो स्टोरेज की अगर हम बात करें तो आपको रैम और रोम दोनों याद रखने हैं, एक तो रैम और दूसरा रोम, हार्ड डिस्क, ये सभी चीजें स्टोरेज डिवाइस में आ जाती हैं। दीज आर द स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव भी आ जाता है, और एक और होता था पहले फ्लॉफी, वो भी इसी में आता है। ठीक है भाई, अब देखो आंसर फटाफट बताओ। एक भाई साहब हमसे इतना प्यार करते हैं, वो डेली आते हैं वीडियो पर, डिसलाइक करके चले जाते हैं। ये तब की बात है जब वीडियो स्टार्ट नहीं होता है, समझ रहे हो?
मतलब वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है और उन्होंने हमको पहले ही देख लिया कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। अब ये भाई साहब हैं या बहन जी हैं ये तो नहीं पता। सो गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट और किलोबाइट, सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी? सी विल बी द राइट आंसर। और इस सबसे बड़ी होती है जेटाबाइट, जीबी कहते हैं, जेड भी कहते हैं इसको। दिस इज द, ठीक है, तो जेटाबाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम्स हैड पार्टिसिपेटेड इन 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप? क्रिकेट से क्वेश्चन बन रहा है भाई मेरे, तो आप एक तो आईपीएल के बारे में पढ़ लेना अच्छे से कि आईपीएल कौन कौन से, अभी 2019 में जो 2020 में हुआ है आईपीएल, वर्ल्ड कप 2019 पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप 2019 पढ़ लेना, और आने वाले दिनों में कौन कौन से जो है एग्जाम्स क्रिकेट वाले होने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन क्रिकेट से पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना शुरू किया है हर एग्जाम में जो है पूछा गया है। अब तो कुछ न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम कैंसिल हुआ है। जरा मुझे बच्चे आप लोग बताओ कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्या कैंसिल हुआ है क्या? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली किसी बच्चे ने न्यूज़ भेजी है और ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता कि वो सही है गलत है, तो आप लोग जरा आइडिया हो तो मुझे बताओ जरा एक बार कि क्या दिल्ली पुलिस का पेपर जो है वो ख़त्म हुआ है, रद्द हुआ है क्या, दोबारा से हुआ, कैसी कोई न्यूज़ आप लोगों ने सुनी है क्या? हाँ, मैं वेन्यू वाला याद करवा दूंगा निशु। बहाने करके ले गया दिल, अच्छा भैया, 10 बहाने करके ले गया दिल, हाँ नहीं हुआ है ना। मुझे भी लग रहा था कि ऐसी कोई ये फर्जी न्यूज है, लेकिन फिर भी मैंने 10 बहाने करके ले गया दिल इज द राइट आंसर। तो एक लड़के ने लिखा है यहाँ पे 10 इज राइट आंसर, ठीक है, ओके। सो इस बार जो है होस्ट किया था इंग्लैंड एंड वेल्स ने, और सबसे पहले इंग्लैंड क्या बना है, पहला टाइटल बना है। आपको पता है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट ही है, और जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक 2019 तक कभी भी इसने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी, और उससे भी शर्मनाक बात तो ये थी कि इंडिया में क्रिकेट लाने वाले लोग कौन थे, वो इंग्लैंड वाले ही थे, ब्रिटेन के लोग थे। और भारत में क्रिकेट लाने के बाद भारत क्रिकेट में आगे आ गया और इंग्लैंड पीछे चला गया, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी इंग्लैंड के लिए। हमेशा ये बहुत ही नाक कटा के खेलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जीत लिया, ठीक है भाई। चलो, ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, इस बात की पुष्टि कौन सा न्यूटन का नियम करता है? आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, ब्रेक लगा दिया, पीछे वाला आप चढ़ के आपके ऊपर आ जाता है कि नहीं? तो या फिर अगर आप किसी बस से जा रहे हैं, ब्रेक लगा दिया, तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी की बोतल मुंह के अंदर चली जाती है, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब गाड़ी चल रही है तो उसके साथ हम भी चल रहे हैं, मोशन में वो है तो हम भी मोशन में हैं। अब ब्रेक लगा दिए गाड़ी ने, आपने थोड़ी ब्रेक लगाए हैं, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आप आगे चले जाओगे। तो ये जो नियम है ये न्यूटन का पहला नियम है, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला प्रश्न, बाकी नियम पता ही है आपको, सेकंड क्या है, जितना फोर्स लगाओगे उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तीसरा नियम क्या कहते हैं? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो लौट के तुमको 2 थप्पड़ मारेगा, थोड़ा ज्यादा एक्शन रिएक्शन हो गया है, कभी कभी कम भी हो सकता है, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है भाई मेरे। अगर आप दीवार को चोट पहुंचाएंगे, दीवार को घुसा मारेंगे, तो दीवार भी आपको चोट पहुंचाएगी, आपको भी लगेगी। तो कहने का मतलब जितना फोर्स आप सामने वाली वस्तु पर लगाएंगे उतना ही फोर्स वो आपको भी लगाएगी। Which comes first in the food cycle? खाद्य चक्र में सबसे पहले कौन आता है? खाद्य चक्र में सबसे पहले कौन आता है? सर ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, नीशु कुमार कह रहा, अच्छा नीशु भाई, गुड इवनिंग जोकर, तुमने अपना नाम बदल क्यों नहीं लिया? जोकर कह रखे, अच्छा लग रहा है क्या? बाकी सब लोग तुमको देख देख के हंस रहे हैं। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल नीरजा सही कह रही है। देखो लड़की को पता है, उसने फटाफट टाइप कर दिया, बचपन में पढ़ा था, फिजिक्स वाले टीचर ने डंडे मार मार के सिखाया था। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा इसका, पहले नंबर पर आते हैं ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो अगर हम फूड साइकिल में देखें तो फूड साइकिल में कुछ ये स्थिति रहती है, सबसे नीचे नंबर पर होते हैं प्रोड्यूसर, और ये हमारे समाज में भी है, हमारे समाज में भी सेम ही चीज है। ये सबसे नीचे नंबर पर होते हैं किसान, जो अन्न को उगाते हैं, और वो सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, सही बात है कि नहीं? ये जो प्रोड्यूसर है ये सबसे
ज्यादा हैं और इनको कुछ नहीं मिलता, फिर इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे बिल्ली है और बाकी के जो 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 चीजें हैं इंसान है, हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं तो हम लोग इनको खाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या जाते हैं, रेड पांडा है, फिर ये लोग जो बिल्ली ने घास खाई तो बिल्ली को किसने खाया, रेड पांडा को खाया, रेड पांडा ने खाया, और रेड पांडा को किसने खाया, तो फिर आगे जाकर टर्सरी कंज्यूमर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर चैनल चलती है और ये 100% से लेकर 0.1% तक जाता है। समझ आया कि नहीं आया? चलो ऑप्शन हिंदी में दीजिए। अच्छा भाई हिंदी में दे ऑप्शन, हर्बीवर्स, ऑटोट्रॉप्स, ओमनिवर्स, कार्निवर्स। अच्छा भाई चलो ओके। सो कुछ अपॉइंटमेंट्स है अगस्त के, ये आप देख लो फटाफट, ये आपके लिए एक एक तरीके से मैंने असेंबल किए हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो छूट गया है कहीं पर, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनका नाम है प्रदीप कुमार जोश। ये क्वेश्चन है वो छूट गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अगस्त के महीने में इतने सारे अपॉइंटमेंट किए हैं, अभी मैं रात में 9:30 बजे, कितने बजे, रात में 9:30 बजे क्लास लेता हूँ 6 मंथ करंट अफेयर की। इसमें मैंने अक्टूबर करा दिया है, ठीक है भाई मेरे, सेप्टेम्बर करा दिया है, अगस्त का एक पार्ट करा दिया गया, एक पार्ट आज हो जाएगा। कल से हम पढ़ेंगे जुलाई और फिर जून, हो गया 6 महीने, और फिर जून हो गया 6 महीने। तो 6 महीने की करंट अफेयर के लिए रात में 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा प्रोफाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करोगे अपने आप वहां पे जंप कर जाओगे, ठीक है भाई मेरे। सर आपका थैंक यू बहुत जल्दी आता है। अच्छा भाई थैंक यू नहीं आया, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, ये दूसरा सेगमेंट है भाई, ये तो दूसरा सेगमेंट है अभी, ठीक। अच्छा प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन है, वॉल्टर रोजर पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौशिक खोना सीईओ बने हैं नए गो एयरलाइन के, राकेश अस्थाना ये कुछ दिन पहले विवाद में रहे थे सीबीआई को लेकर, ये महानिदेशक बनाए गए हैं बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाया गया मेघालय का, राजीव कुमार नए बने हैं चुनाव आयुक्त और राजीव कुमार एक नीति आयोग में भी है, अश्विनी भाटिया सीएमडी बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मोहम्मद इरफान अली गोवाना के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ठीक है भाई मेरे। चलो क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वंट सुगर को बुकर पुरस्कार से शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है, मतलब उनको दिया गया है। तो उपन्यास का नाम है वंट सुगर, BURNT वंट सुगर, ठीक है, कौन है भाई, बुकर अवार्ड फॉर वंट सुगर, BURNT वंट सुगर, ठीक है बताओ आंसर। मनु भंडारी, प्रतिमा मित्तल, अवनी दोषी या इनमें से कोई नहीं, करंट अफेयर का सेक्शन है ये, सो दिस सेक्शन इज फॉर करंट अफेयर। सर मंत्रिमंडल की पीडीएफ की पूरी लिंक सेंड करो, हाँ भैया कर देंगे। अवनी दोषी इज द राइट आंसर, अवनी दोषी इज द राइट आंसर, सी आंसर सही है। रजनीश कुमार ने आंसर दिया है, सिंगिस किंग ने आंसर दिया है, आज गुड्डू कुमार ने आंसर दिया है, अतुल शर्मा ने आंसर दिया है, निशु ने आंसर दिया है, त्रिता ने आंसर दिया है, निशु, निकश मौर्य ने आंसर दिया है, नीरजा ने आंसर दिया है, ऋषभ पटेल ने आंसर दिया है, एंड वन मोर मोर मोर, भैया कमेंट कर दो, नाम पढ़ना है तो नाम पढ़ देंगे फटाफट, लेकिन सही आंसर देना, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, अपनी दोस्ती, ठीक है। अब यार टूटता रहता है। सर इंग्लिश में कंफर्टेबल है, ठीक है भैया इंग्लिश देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ बुक्स लिखी गई हैं अगस्त महीने में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ, तो जिनको मैं टिक करूंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सियासत में सदस्यता विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने इस किताब का उद्घाटन किया था, ठीक है भाई। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोविड ऑपरेशन यतीश यादव, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अमेजिंग योद्धा नीना राय के द्वारा लिखी गई है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई है, वन अरेंज मर्डर ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, बाकी ये किताबें नॉर्मली हैं। इसके बाद ग्रीन लाइट, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो ये मैक्यू मैकोनापी, ठीक है भाई, इनके द्वारा लिखी गई है।
ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलें, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई मेरे। हाल ही में किस राज्य ने लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया है? लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। लाइफ साइंसेस पार्क का उद्घाटन किसने किया है? सर आंसर इन इंग्लिश, ओके, महाराष्ट्र, दिस इज दिल्ली, दिस इज कर्नाटक एंड दिस इज नन ऑफ दिस एनओटी। बताओ, इंडेक्स वाला क्वेश्चन करवा दूंगा कल्याण जी, टेंशन काय ले रहे हो यार। अब सब कुछ थोड़ी एक चीज सिस्टम से चलती है। आज आपको आजकल मिल जाए कोई इंडेक्स वाला क्वेश्चन तो 6 महीने वाले सारे इंडेक्स, सारी बुक्स, इसका मैं अलग समराइज करके बनाऊंगा तो उसका एक अलग सेशन लूंगा, आप टेंशन ना लो उस चीज को लेके, ठीक है। ओके, सो महाराष्ट्र, कर्नाटक इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलुरु लाइफ साइंसेज का उद्घाटन किया गया था, आपको ये चीज याद रखनी है। कर्नाटक की स्कीम्स याद रखनी है, गुरु चेतना स्कीम, मटरू पूर्णा स्कीम और युवा युगा स्कीम, ठीक है, युवा युगा स्कीम, ठीक है, याद रखना ये चीज। कॉफी कल्टीवेशन पहले नंबर पे आता है। जोग फॉल पूछा गया है, जोग फॉल कहाँ, किस राज्य में है, किस नदी पर है? तो जोग फॉल शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है और इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी हो गया है और सरयोप्पा भी नाम इसका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, सरयोप्पा ऐसे कुछ करके इसका नाम है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? मतलब ऑलरेडी इतने सारे लॉन्च ये कर चुके हैं, पीडीएफ मिल जाएगा तेजस जी, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप जीएस बाई योगेंद्र सर भी सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप कर सकते हैं सर्च। नासा इज द राइट आंसर, नासा इज द राइट आंसर। तो नासा ने इसके पहले मंगल ग्रह पर रोवर भी भेजा था, इसके पहले भी और सारे रोबोट भेजे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? जागरूकता कार्यक्रम भूकंप से निपटने के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में भूकंप के कितने जोन है? तो 4 जोन है, कुछ बच्चे कहते हैं 5 जोन है। तो जोन सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो 4 जोन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहला वाला है नहीं, तो 4 जोन है, भारत 4 जोन में बटा हुआ है। अच्छा, इन 4 जोनों में सबसे जो खतरनाक जोन है उनमें एक, इनमें से एक स्टेट आता है अक्टूबर 2020 से लेकर शायद दिसंबर के बीच में लगभग 12 से 18 बार यहां पर भूकंप आया था। तो कौन सा राज्य है ऐसा जहां भूकंप आता रहता है, लोग डरे बड़े रहते हैं? राइट आंसर दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली इसका सही आंसर बनेगा। दिल्ली में लगभग 18 बार जो है वो ट्रेमर आए हैं अप्रैल 2020 तक। तो इसीलिए दिल्ली में बहुत एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है कि भैया भूकंप जागरूकता अभियान। अब होगा क्या इसमें, अगर भूकंप आ गया तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है कि आपके आसपास कोई बड़ी सी टेबल हो तो उस टेबल के नीचे आप घुस जाइए। इससे होगा क्या, मान लीजिए छत गिरती है तो पहले छत टेबल पे गिरेगी, उसका थोड़ा जो एक्सेलरेशन है, जो मोमेंटम वो थोड़ा कम होगा और फिर वो छत जो है वो आपके ऊपर गिरेगी, तो आप दब जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास ये समय नहीं मिल रहा है कि आप बाहर निकल पाएं तो किसी टेबल के नीचे, किसी बेड के नीचे छिप जाइए, लेकिन या फिर आप जो कॉर्नर होते हैं, जो दीवारों के कॉर्नर होते हैं, वहां से कभी दीवार नहीं गिरती है, बीच से गिरती है, कॉर्नर पर नहीं गिरती, तो कॉर्नर पर जाके खड़े हो जाइए। लेकिन अगर आप ओपन में जा सकते हैं तो ओपन क्षेत्र में चले जाइए, जो खुले मैदान है वहां चले जाइए। लेकिन कभी भी किसी पेड़ के नीचे मत खड़े होइए, तार के नीचे मत खड़े होइए, पता पड़े तार गिरे आपके ऊपर ही गिर गया तो भूकंप से तो बच गए लेकिन यहाँ पे करंट खा के मर गए, बिजली खा के मर गए, है ना। तो इसीलिए ये जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अगर हम राज्यों की बात करें तो ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वो पहली रिस्क जोन में आता है, हाई रिस्क जोन में आता है, याद रखना ये चीज। और ये जो सेवन सिस्टर का जो क्षेत्र है ये वेरी वेरी हाई रिस्क जोन में आता है।
कुछ स्कीम्स हैं, सबसे पहले फरिश्ते स्कीम्स है, अगर कोई सड़क पे मर गया है तो उसे 2000 का अवार्ड दिया जाएगा, ये स्कीम चलाई गई है। डोर स्टेप डिलीवरी की स्कीम चलाई गई है ना। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये स्कीम चलाई गई है, यहाँ पे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये स्कीम भी चलाई गई है, और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये स्कीम भी चलाई गई। हाल ही में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना कहां पर की गई है? 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना कहां पे की गई है? हरियाणा में की गई है, जम्मू कश्मीर की गई है, पंजाब में की गई है, इनमें से कोई नहीं। कॉर्नर में अगर खा दिया यहां से जाओ, कह रहा है कि कॉर्नर ने अगर कह दिया यहां से जाओ तो क्या करें, कॉर्नर अब से तो कुछ नहीं कहेगा, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। ऐसा ना करना कि पूरा पूरा परिवार एक ही कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया है, ठीक है। चलो आंसर क्या बनेगा इसका, तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में योजना स्टार्ट हुई है। अब जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे जीआई टैग दिया गया पश्मीना शॉल और केसर को, ठीक है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर, नए एलजी का नाम पूछा जा सकता है तो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में नगर पंचायत के चुनाव भी हाल ही के दिनों में हुए और उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, डल झील और बुलर झील में जो डल झील है यहाँ पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बनाया गया था कुछ दिन पहले, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दजिगाम नेशनल पार्क है और हेमिश नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में, अब कहाँ पे हो गया वो, लद्दाख में चला गया, तो हेमिश नेशनल पार्क भी यहीं पे था लेकिन दजिगाम नेशनल पार्क अभी भी यहीं पर है। इसके बाद सबसे बड़ी अगर झील देखी जाए तो कौन सी झील है, झेलम झील, जो कि बुलर झील का निर्माण करती है। राजा हरि सिंह यहाँ के राजा थे, जो भारत की आज़ादी में के बाद में भारत में सम्मिलित हुए, तो राजा हरि सिंह के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बौद्ध संगति तीसरी नहीं चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी, कुंडल ग्राम में, जम्मू कश्मीर में कुंडल ग्राम में हुई थी, और किसने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी, किसने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एग परियोजना शुरू की है, ग्रीन एग परियोजना शुरू की है, एक लड़का कह रहा है सर कहां से लाते हो, इतना तो पढ़ते हैं, इतना तो पढ़ाते हैं तब भी रॉन्ग। अच्छा देखो ये चीज बहुत ही नेचुरल है, जो चीज मैं बताता हूं अगर मैंने यहां से 100% कोई चीज दी है या 100 वर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो की है तो वो आप तक 2-4% ही पहुंचेगी, ये बात हमेशा याद रखना। द थिंग इज दैट कि जब उस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो वो 5% से 10% हो जाएगी, फिर से आप सुनोगे तो 15% 20% 30%, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 100% मेरी इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन से मैच कर जाएगी। जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन मेरी क्लास मत देखना, आप समझ जाना कि आप परफेक्ट हो चुके हो, आपको सभी चीजें आती हैं, समझ गए बात। मेजोरम इज द राइट आंसर, मेजोरम इज द राइट आंसर, ठीक है, मेजोरम इसका सही आंसर बनेगा। तो यहाँ पे ग्रीन एग जो है लॉन्च किया गया है, केंद्र सरकार ने 28 जुलाई को मिजोरम में ग्रीन एग परियोजना की शुरुआत की है। मिजोरम से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है मुरली नेशनल पार्क जो पूछा गया है, डम्फा टाइगर रिजर्व पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खुल्लम डांस जो है कहाँ का है, और शेरो शेरो और खुल्लम डांस जो है वो मिजोरम के हैं, ये क्वेश्चन पूछा। मिजो जाति यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, जनजाति है ये मिजो जो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है भाई मेरे। आगे चले अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क आप लगाओगे तो बहुत सारी जिंदगी आपकी बच जाएंगे। आपको पता है कि हम लोग कितने, अब तो मुझे लगता है कि कोई भी मास्क नहीं लगाता है, मैं बहुत ही रेयरली देखता हूँ कि कोई मास्क लगा रहा, बहुत ही रेयरली, इवन कभी कभी हालत ये कि ये भी होती है कि मैं भी अवॉइड कर देता हूँ कि यार जब कोई लगा ही नहीं रहा तो मेरे अकेले लगाने से क्या होता है, लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि यार सब लोग नहीं लगा रहे हैं तो मैं लगा लूँ कम से कम मैं ही बच जाऊंगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि कोरोना क्यों आया, कैसे आया, किसको लगा और इसका क्या हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। बस लोगों को हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं, और अभी भी कोई मास्क वास्क लगाते नहीं है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये योजना लाई गई थी, बी बी द राइट आंसर। दांत, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचने के उद्देश्य से एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान ये शुरू किया गया है। बाकी सभी चीजें मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताता हूँ, इसमें जरूरत नहीं है।
तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा भी भारत का अकेले एक ऐसा राज्य है जहाँ पर डायमंड निकाले जाते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एक 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 बड़े किसान को 40 लाख का हीरा मिल गया। अब सोचिए 40 लाख का हीरा मिल गया, जिंदगी बन गई है ना आराम से। अब तो अपने आप को अंबानी समझ रहा होगा 40 लाख रुपए में। अगर किसान को 40 लाख रुपए मिल जाए तो एक बार में ही। तो कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया वो भी मध्य प्रदेश में है। सोयाबीन के मामले में पहले नंबर पर है, दलहन के मामले में पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी हैं। संजय कौन से नेशनल पार्क हैं? तो पन्ना नेशनल पार्क है, माधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। तो मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक तो नेशनल पार्क को लेके पूछा जा सकता है, स्कीम्स को लेके पूछा जा सकता है। स्कीम्स कौन कौन सी हैं ये भी मैंने बताया था, तो स्कीम मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखो सारी स्कीम्स हैं मध्य प्रदेश की। सबसे पहले एक मास करने की जिंदगी, FIR आपके द्वार, जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, किल कोरोना अभियान, रोजगार सेतु और श्रम सिद्धि अभियान। ये सारे के सारे अभियान कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? जिस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है उसके मिनिस्टर का नाम है अर्जुन मुंडा। अब तो बता दो आंसर क्या बनेगा। अर्जुन मुंडा कौन से मंत्रालय को देखते हैं? वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। बताओ भाई फटाफट। विकास मौर्य कह रहे हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद विकास मौर्य जी, आप बोलते हैं इस तरीके से तो हम और अच्छा पढ़ाते हैं। सर कुड यू प्लीज प्रोवाइड PDF इन इंग्लिश, आई विल डू दैट। यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर दैट, ठीक है। सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश बोथ, ठीक है, ओके। राइट आंसर क्या बनेगा? जनजातीय मंत्रालय, सी विल बी द राइट आंसर। अर्जुन मुंडा यहाँ के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रालयों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि भैया ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना में है। अच्छा, ब्रिक्स के कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो ब्रिक्स के कौन कौन से हैं? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे देश ब्रिक्स के पार्ट है, मेंबर है। और इन मेंबर्स की बैठक होती है, तो वो कह रहा है कि 6वीं जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की है? ब्राजील ने की है, चाइना ने की है, रूस ने की है। रूस भी है यार, आरबीआई बोल गया, रूस है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या बनेगा। सी विल बी द राइट आंसर, रूस ने की है इस बार अध्यक्षता, ठीक है भाई मेरे। इसकी अध्यक्षता किसने की है? रूस ने की है, हेडक्वार्टर चाइना शंघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्रिक्स के बारे में बाकी सभी चीजें ये लिखी हुई हैं, आपको PDF मिल जाएगा, PDF में आप देख लेना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चल रहा हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल COVID-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? मोबाइल COVID-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। आपने देख लिया आंसर, तेलंगाना इज द राइट आंसर। अच्छा, तेलंगाना का एक त्यौहार है जो पूछा जा रहा है, वो है बोनालू त्यौहार। कौन सा है? बोनालू त्यौहार, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोनालू त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है। तो तेलंगाना मनाया जाता है, कहाँ पे? तेलंगाना मनाया जाता है, ठीक है भाई मेरे, बात समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश उड़ीसा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलो तो ये बोनालू त्यौहार है। इसके अलावा काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है यहाँ पे, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क है यहाँ पे, मृगाली नेशनल पार्क है यहाँ पे, चीतल यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, बाकी नॉर्मल चीजें। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैं जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इनमें से हर एक क्वेश्चन बनेगा, आप चाहे गारंटी ले लो। सौ लाइक नहीं हुए अभी तक, ऐसी बेईमानी करोगे हैं? क्या बनेगा आंसर बताओ, किसको मिला है? सर भूख लग गई, छोड़ दीजिए। अरे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तुमको, जब तक हम पढ़ा के तुमको एकदम रेलवे में जॉब लगवा देंगे तुम्हारी, ठीक है। और जितने फॉर्म आ रहे हैं सभी डालते चलिएगा, CGS 2020 का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है,
बात समझ में आ रही है, सी एच एस एल की डेट बढ़ गई है, 19 तारीख की डेट हो गई है। जिन लोगों ने सी एच एस एल का फॉर्म नहीं भरा है, सी एच एस एल का फॉर्म भर दें। सी एच एस एल का सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है, ए बी इंटेलिजेंस ब्यूरो ए सी आई ओ का आ गया है, ठीक है, वो भर देना। अशोक साह, दिस इज द राइट आंसर, इनको दिया गया ये पुरस्कार, अशोक साहनी, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जियोलॉजी के विभाग के ये जो है वो एक प्रोफेसर हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से तो मुझे कुछ याद आ रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, फटाफट आंसर दो। तो ये स्थापना की थी किसने, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। आगे चलें, समुद्री प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय समुद्र संस्थान चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में अगर हम बात करें तो कुंडलकुलम और कलपक्कम दो जो है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर भी हैं, मरीना बीच भी यहीं पर है, ठीक है, स्नेक पार्क भी यहीं पर है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि को पुरस्कार दिया गया, महिलाओं में किसको दिया गया, अन्नामणि को दिया गया 2020 का। इन्होंने गोवा की वरिष्ठ विजेता डी एस खम्बेडकर दी गई हैं, इसको पढ़ लेना एक बार। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो एकदम निचोड़ है वो समझ लो, रात में 9:30 बजे क्लास होती है अन अकेडमी के ऐप पर, कहाँ होती है, अन अकेडमी के ऐप पर। अच्छा, ये जो क्लास है अन अकेडमी वाली, इसमें मैं पिछले 6 महीनों के 6 मंथ के करंट अफेयर करवा रहा हूं, 6 मंथ के करंट अफेयर करवा रहा हूं, बात समझ में आ रही है आपके। अच्छा, ये जो 6 मंथ के करंट अफेयर है भाई, इसमें मैं सारी की सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूं, तो इसमें जरूर जुड़े। आपको ये मिलेगी कहां क्लास, तो अनअकैडमी के ऐप पर मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करने के बाद योगेंद्र सिंह सर्च करें तो नीचे एजुकेटर में मेरा नाम आएगा, वहां पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, फॉलो करें। और क्लास को देखने के लिए कोड पूछेगा, इनवाइट कोड, तो इनवाइट कोड मेरा नाम है योगेंद्र, YOGENDR, दिस इज माई नेम। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बच्चे बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक का भी एग्जाम देते हैं, उनके लिए कॉम्बैक्ट आया टेस्ट सीरीज, जिसमें पहले वाले व्यक्ति को 50,000 का नाम दिया जाएगा, दूसरे वाले व्यक्ति को 20,000 का दिया जाएगा, तीसरे व्यक्ति को 10,000 का दिया जाएगा, और चौथे से लेकर 100 व्यक्तियों तक हर व्यक्ति को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, इसका भी कोई पैसा नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हम रात में फिर से जुड़ेंगे, रात में 9:30 बजे अनअकैडमी के ऐप पर, और शाम को कल 4 बजे इसी जगह पर, कल फिर से मैं कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो मिनिस्ट्रियल्स में आ रहे हैं, खोज खाज के देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे दे भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है भाई मेरे। इसके साथ साथ में करंट अफेयर पढ़ें, और जो क्वेश्चन पिछले 2016 में पूछे गए उन्हें जरूर पढ़ें, क्योंकि रिपीटेशन वहीं से हो रहा है। और रेलवे CPO के जो एग्जाम हुए हैं, CHSL के एग्जाम हुए हैं, डेली प्रेस के एग्जाम हुए हैं, उनको भी जरूर देख लेना, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन वहीं से हो रहा है, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू और बाय बाय, देखते रहिए, बने रहिए लेट्स क्रैक SSC एंड रेलवे पर। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर इसी जगह पर, लाइक करना ना भूलें और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दें, ठीक है, बाय बाय।